माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जस्टिस एएस ओक की अध्यक्षता वाली बेंच ने केजरीवाल की स्वास्थ्य जांच के लिए अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। इतना ही नहीं, बेंच ने देर से आवेदन दाखिल करने पर भी सवाल उठाए हैं। जी हाँ, आपको बता दें अरविंद केजरीवाल लगातार इस बात की अर्जी लगा रहे हैं कि इस बार उनको 7 दिन की और मोहलत दी जाए। लेकिन वहीं आपको बता दें जस्टिस एएसओ की बेंच ने कहा है कि 17 मई को मुख्य मामले पर आदेश सुरक्षित रखा गया है और उस बेंच ने एक सदस्य जज पिछले सप्ताह अवकाशकालीन बेंच में थे, तब आपने क्यों नहीं बताया और फिर आपने ये मांग तब क्यों नहीं रखी। वहीं जब वो छुट्टी पर हैं, केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि वह सुनवाई का अनुरोध चीफ जस्टिस से करे, हम कुछ नहीं कर सकते। वहीं आपको बता दें 1 जून तक अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत है, अब ऐसे में 2 जून को उनको फिर से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए 10 मई से 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है और उन्हें 2 जून को सरेंडर करने को कहा है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल अब अपनी गिरफ्तारी से आपको बता दें बसते हुए नजर आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि 1 हफ्ते की उनको मोहलत दी जाए। वहीं पर आम आदमी पार्टी तमाम तरीके की दलीलें दे रही है। आपको बता दें केजरीवाल ने अपनी याचिका में दावा किया है कि गिरफ्तारी के बाद उनका 7 किलो वजन घटा है। इतना ही नहीं, उनका जो कीटोन लेवल भी बढ़ा है। ऐसे में ये लक्षण किसी गंभीर बीमारी के हो सकते हैं। वहीं मैक्स के डॉक्टर ने जांच की है, अभी जो पेट सीटी स्कैन और कई टेस्ट करवाने की जरूरत है। ऐसे में इन जांचों को कराने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल को 7 दिन की उन्होंने मोहलत मांगी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसले को सुरक्षित रख लिया है और इस दौरान कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत के लिए निचली अदालत का रुख करने की छूट दी थी। दिल्ली की आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल के अलावा जांच एजेंसी में मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार किया गया है और वो अभी भी जेल में है। और इस मामले में आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी गिरफ्तार हुए, हालांकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल लगातार जिस तरीके से याचिका लगा रहे, क्या उनकी याचिका कहीं ना कहीं खारिज हो गई है? तो क्या वो फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि जिस तरीके से पूरा मामला पेचीदा होता जा रहा है, लगातार आम आदमी पार्टी के नेता ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को कोई गंभीर बीमारी हो सकती है। आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, उसमें बोलती है कि अरविंद केजरीवाल को कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। ऐसे में अगर उनका जांच समय पर नहीं हुआ, जिस तरीके से तिहाड़ जेल में 7 किलो वजन उनका घटा, ऐसे में ये बहुत बेहद चिंतनीय बात है। इस तरीके से आम आदमी पार्टी कहीं इस बात को उठाती हुई नजर आ रही है। वहीं विपक्ष की अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को उठा रही है कि अरविंद केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए तमाम तरीके के हथकंडे अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। वाकई में देखना होगा, लोकसभा चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल बाहर आए थे, क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल इस तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं या फिर वाकई में उनको कोई सीरियस बीमारी है? ये तो आने वाले टाइम में पता ही चल जाएगा, या 2 जून को अरविंद केजरीवाल जब गिरफ्तार हो जाएंगे तब ये सारी अटकलें कहीं ना कहीं खारिज होती हुई दिखाई देंगी। लेकिन इससे पहले अगर बात कर लिया जाए, तो जिस तरीके से 6ठे चरण में दिल्ली के मतदान हुए, अरविंद केजरीवाल लगातार एक्टिव नजर आए, लेकिन इस बार दिल्ली में जो वोट परसेंट है वो कहीं ना कहीं कम देखने को मिला। अब ऐसे में क्या अरविंद केजरीवाल की इस वोट परसेंटेज की वजह से मुश्किलें बढ़ सकती है? क्योंकि दिल्ली में जितने अधिक मतदाता होंगे, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जो जिस तरीके की पॉलिसी अरविंद केजरीवाल चलाते हुए नजर आए, जिसमें से उनके जो मेन कोर वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं इस पॉलिसी का लाभ उठाते हैं। अगर अरविंद केजरीवाल इस बार के चुनाव में कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए आने वाले विधानसभा चुनाव में मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, फिर अरविंद केजरीवाल की कुर्सी भी खतरे में पड़ सकती है। फिलहाल अभी भी विपक्ष कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को उनके पद से इस्तीफा देने की मांग करता रहा है। तो अब देखना होगा कि 2 जून को अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाते हैं, तो क्या वो वाकई में इस्तीफा देंगे या फिर उनकी पार्टी की कमान कोई और संभालते हुए नजर आएगा, या अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से अभी तक अड़े हुए हैं कि वो ही सरकार
चलाएंगे, चाहे वो जेल में रहे चाहे जेल से बाहर रहे। वैसे भी क्या अरविंद केजरीवाल को सारी गतिविधियों को फॉलो करने के लिए उनको कोई विशेष ट्रीटमेंट दिया जाएगा जेल में, जिससे वो वहाँ पर रहकर अपनी प्रधान मुख्यमंत्री की जो भी जिम्मेदारी है वो निभाते हुए नजर आए? क्योंकि जेल के जो नियम कानून होते हैं सभी कैदियों के लिए बराबर होते हैं। अब क्या ऐसे में अरविंद केजरीवाल को कोई नया रोल बनाया जाएगा, उनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा एज अ मुख्यमंत्री होने के नाते? ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। ऐसे में देखना यही होगा कि अरविंद केजरीवाल को अगर कोई अलग से ट्रीटमेंट मिलता है तो कहीं ना कहीं विपक्ष इसका पूरा फायदा उठाएगा और अरविंद केजरीवाल के ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर बनाएगा कि उनको उस पद से इस्तीफा देना पड़ जाए। फिर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। वैसे में मनीष सिसोदिया भी 1.5 साल से ज़्यादा हो गए उनको जेल में रहते हुए, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं अगर इस लोकसभा चुनाव में उसको बड़ा झटका लगता है तो कहीं ना कहीं बड़ा घाटा देखने को मिल है। फिलहाल देखना यही होगा अरविंद केजरीवाल का आने वाले दिनों में कोर्ट किस तरीके से उनको राहत देता है या फिर किस तरीके से उनको सजा देता है, ये आने वाले टाइम में देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से मांग उठाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या वाकई में उनको बीमारी है या फिर वो किसी रणनीति के तहत ये बातें बोलते हुए नजर आ रहे हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर।